और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता ने दी पुलिस को फोन पर धमकी और अब ये ऑडियो वायरल हो गया है। बुलंदशहर हिंसा जैसे कांड हापुड़ में करने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है जहां पर बीजेपी नेता पर पुलिस को धमकी देने का आरोप लगा है। हापुड़ कोतवाली के पीआरओ संजय शुक्ला को धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। मामला 9 दिसंबर का है। आरोप है कि बीजेपी के जिला महामंत्री प्रमोद जिंदल ने हापुड़ पुलिस अधीक्षक के सीयूजी नंबर पर फोन कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने से छुड़वाने का दबाव डाला। फोन पुलिस अधीक्षक के पीआरओ संजय शुक्ला ने रिसीव किया था। बीजेपी नेता प्रमोद जिंदल ने पीआरओ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ने का दबाव बनाया और थाने के भीतर बंद कार्यकर्ताओं को न छोड़ने की सूरत में हापुड़ में भी बुलंदशहर हिंसा जैसे कांड करने की धमकी दी। बीजेपी नेता की धमकी के बाद हापुड़ पुलिस अधीक्षक के पीआरओ संजय शुक्ला ने बीजेपी नेता प्रमोद जिंदल के खिलाफ आईपीसी की धारा 189, 504, 500 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हापुड़ से आ रही है जहां पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल बीजेपी नेता पर एसपी के पीआरओ को धमकी देने का इल्जाम लगा है। थाने के भीतर पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ने का दबाव फोन पर बना रहे थे और इसी दौरान बीजेपी नेता पर धमकी देने का आरोप लगा है और जो ऑडियो जिस फोन से बातचीत हुई है उसका ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। एसपी के पीआरओ ने फोन रिसीव किया था जिसको लेकर बीजेपी नेता ने धमकी दी थी और अब यह धमकी भरा ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हापुड़ में बीजेपी नेता पर पुलिस को धमकी देने का इल्जाम लगा है। हापुड़ कोतवाली के पीआरओ संजय शुक्ला को धमकी देने का ऑडियो क्लिप भी अब वायरल हो रहा है। दरअसल मामला 9 दिसंबर का है। आरोप है कि बीजेपी के जिला महामंत्री प्रमोद जिंदल ने हापुड़ पुलिस अधीक्षक के सीयूजी नंबर पर फोन करके पार्टी कार्यकर्ताओं को थाने से छुड़वाने का दबाव डाला। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद समीर हमारे साथ फोन लाइन पर हापुड़ से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोहम्मद समीर, विस्तार से बताइए पूरा मामला है क्या, जिस तरीके से ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है और इस ऑडियो क्लिप के जरिए जो दबाव बनाने की कोशिश की गई है, इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका क्या तर्क और क्या सफाई आई है और पुलिस की जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख को ये हापुड़ के जिला महामंत्री प्रमोद जिंदल है, इन्होंने हाफिजपुर थाने के थाना इंचार्ज को किसी युवक को छुड़वाने के लिए कहा था, जबकि उस युवक को छोड़ा नहीं गया था कि पुलिस ने उसको बंद कर रखा था थाने में। लेकिन उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने खुद एसपी समीर हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ खुद प्रमोद जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रमोद जिंदल जी, स्वागत करेंगे TV24 में आपका, और सबसे पहले आपसे इस पूरे प्रकरण पर सफाई चाहेंगे कि क्या कहना है, क्योंकि आपका ऑडियो क्लिप अब वायरल हो रहा है और पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है आपके खिलाफ। ऐसा है, इसमें जो हाफिजपुर थाना अध्यक्ष हैं जी, इनके ऊपर कोर्ट से मुकदमा लिखा हुआ है। इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है थाने में बने रहने का, ठीक है। इन पर 2 मुकदमे लिखे हुए हैं और एसपी ने इनको चार्ज दिया हुआ है जी। इसके अलावा इन्होंने कई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए हैं और ये अपने क्षेत्र में गोकथी कराते हैं और कार्यकर्ताओं पर झूठा उनका शोषण करते हैं और खुलेआम रिश्वत देते हैं। इसलिए इस चक्कर में मेरी थोड़ी इनसे मुबारक। लेकिन प्रमोद जी, जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं उन आरोपों पर आप क्या सफाई देंगे, क्योंकि फोन क्लिप आपका वायरल हो चुका है और इसमें कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं इस ऑडियो क्लिप के जरिए। मैंने इनसे ये कहा था जी कि भाई आप जो इसमें बार बार यहाँ गोकसी करा रहे हो, इसलिए क्या आप जाना बनाना चाहते हैं जी? तो इसी को बात को लेकर मैं, क्योंकि यहाँ हापुड़ में गोकसी को लेकर एक बझेड़ा में एक मौत हो चुकी थी, वहाँ गोकसी करने वालों को पब्लिक ने भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। तो मैं इनको यही कह रहा था, उस जो इन्होंने मेरा बयान पेश किया वो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है,
और ये यहाँ बार बार गोकृति करा रहे हैं, इसी को लेकर मैंने कहा था कि आप इसको भी, क्या हापुड़ को भी शाना बनाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं उन आरोपों पर अगर गौर करें तो कई संगीन धाराओं में मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है आपके ऊपर, सीधा आरोप है। एसपी के पीआरओ को आपने फोन किया है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं को थाने से रिहा करने का आपने दबाव बनाया और जब बात आपकी नहीं सुनी गई तब आपने कहा क्या क्या इन्होंने समाजवादी के लोगों से 58,000 रुपए लेके सुबह से कार्यकर्ताओं को बैठा के रखा, पूरी रात बैठा के रखा, दूसरे उससे पैसे लेकर उसको छोड़ दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया इन्होंने। तो प्रमोद जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार आपकी है, आपकी ही पार्टी की सरकार है, पुलिस भी आप ही की होनी चाहिए? हमारी सरकार को बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये पुलिस जो है इसमें गड़बड़ कर रही है। किस तरह का गड़बड़ कर रही है? वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। ठीक है प्रमोद जी, आप प्रमोद जिंदल जी, आपके पास अगर वक्त हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम उस ऑडियो क्लिप को एक बार दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या कुछ कहा था और किस तरह के आरोप लगे हैं आपके ऊपर। उसका प्यारो बोल रहा हूँ, हाँ प्यारो साहब, मैं ये कह रहा था जी, हाफिजपुर थाने वाले ने ना जी जी इसमें एक हमारा आदमी पकड़ रखा है, पार्टी का कार्यकर्ता है और वो सारा उसका 58,000 रुपए का मामला है, मैं बताऊंगा पैसों का लेके दबाव दे रहा है उसका, एक सब मुकदमा भी लिखा गया ना। हाँ कल आप बता देना, कल हम इसकी जाके मैं आपकी मेरा तुम आपका रिकॉर्ड कर लेना इसे। कल हम लगभग भाजपा के 250-300 कार्यकर्ता जाएंगे थाने में, जो जाने वाला कांड हो मेरा नाम बदल देना आप, मेरा नाम प्रमोद जिंदल नहीं, जो शोषण कर रहा ना मानना जाके, और सुनो एस पी साहब से मेरी बात नहीं हो रही, कल उसका रिकॉर्ड कहेंगे तुमने बता देना ही। प्रमोद जिंदल जी, आपकी ही आवाज थी, इस बात से तो कम से कम इनकार नहीं करेंगे आप? तो लगता है प्रमोद जिंदल साहब हमारे साथ, उनका संपर्क टूट गया है, हालांकि कोशिश हमारी होगी कि एक बार फिर से प्रमोद जिंदल से बातचीत की जाए क्योंकि बेहद ही संगीन आरोप लगे हैं और ऑडियो क्लिप में भी साफ तौर पर सुना जा सकता है कि प्रमोद जिंदल ने दबाव बनाने की कोशिश की है और धमकी भी दी है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया तो 200 से 250 की संख्या में वो थाने का घेराव करने पहुंचेंगे और बुलंदशहर हिंसा की घटना को यहां पर रिपीट किया जाएगा। गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप यूं ही नहीं लगे हैं बल्कि बाकायदा इन्होंने फोन पर धमकी दी है पुलिसकर्मियों को, पीआरओ को फोन किया गया था, इसके बाद से अब ये ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सवालों के घेरे में है बीजेपी के नेता प्रमोद जिंदल और अब जवाब देते नहीं बन रहा है। जिला महामंत्री हैं प्रमोद जिंदल और इनकी कार्यकर्ताओं के बीच काफी धाक भी है और यही वजह है कि किसी मामले की पैरवी करने के लिए इन्होंने फोन किया था, लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने इनकी नहीं सुनी तब जाकर ये सीधे धमकी पर उतर गए और इन्होंने सीधे पुलिस को धमकी दी, चुनौती दी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, अलग अलग धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और देखना अब दिलचस्प होगा कि पुलिस बीजेपी नेता प्रमोद जिंदल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। मेरी एसपी पीआरओ से बात हुई थी, मैंने कहा भाई आप कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हो और इस ज़िले में जब से ये एसपी और ये हाफिजपुर थाना इंचार्ज गौतम आए हैं तब से लगातार ये ज़िले में छठी घटना है और छठी बड़ी घटना है। हमने सूचना देकर उनको गोकस करने वालों को पकड़वाया था, इन्होंने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया, उसके बाद कार्यकर्ताओं पर कई फर्जी मुकदमे लगा दिए। अगर ऐसे ही कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, अगर कार्यकर्ताओं का शोषण होगा तो मैं एक बार नहीं 20 बार इस मामले में जितनी बार मुझे एसपी से या पीआरओ से किसी से इंस्पेक्टर से बात करनी पड़ेगी, अगर जितनी बात करनी पड़ेगी मैं करूँगा उस बारे में। तो मुझे जो आप लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने कहा था कि सियाना कांड दोहराया जाएगा, क्या मैं उस बारे में कह दूँ? उन्होंने इसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया, मैंने ये कहा था क्या यहाँ भी आप सियाना कांड कराना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ भी जो घटना हुई वो पुलिस का ही फेलियर था और यहाँ भी लगातार ये छठी घटना है बड़ी गोकसी की, उसका ये फेलियर है पुलिस का, क्योंकि पुलिस वहाँ पैसे ले रही है और पुलिस पैसे लेकर उनको छोड़ देती है। भाई अगर हमने आपसे 20 दिन पहले जो पकड़वाया था इन्होंने सब पैसे लेके क्यों छोड़ा, और जब मुख्यमंत्री जी ने योगी जी ने टाइट किया है तब इन्होंने दोबारा जेल भेजा है।